हम अतीत में नहीं जीते, वर्तमान की बात करते हैं और भविष्य पर निगाह रखते हैं। बस्तर विधायक बोईप्रा अध्यक्ष एवं बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल ने कहा कि हम आपसे किया हर वादा निभाएंगे, पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं जो अपनी कही हर बात से मुकर जाते हैं और फिर लोगों और सवालों से नजरें चुराते हैं। फिर भी तरह के बदलाव के लिए शक्ति आवश्यक है और एक से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं। हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, यही प्रतीक है देश के एक होने का, आने वाले बदलाव का। सत्य और अहिंसा भारत के निर्माण की बुनियाद है और संघर्ष हमारा आधार स्तंभ है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी संभव नहीं। इन आदर्शों को भारत जब तक अपने मन में बसा कर रखेगा, प्रेम, सद्भावना और प्रगति के रास्ते पर चलता रहेगा। गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा बकावड़ से प्रातःकाल 8 बजे विकासखंड बकावड़ रवाना होकर कोंडावड़, फरसी गांव, पाहुरबेल, बदलामंड होते हुए गिरोला गांव पहुंची। अद्भुत इतिहास है, पूरे क्षेत्रवासियों से सर्वधर्म संभव की अपील की। ये इच्छा जताई थी कि भविष्य का भारत हर उस नागरिक को अपनाए जो इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करता है। यह प्रांत हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, जिसके आधार पर भारत में सौहार्द की स्थापना हुई। बस्तर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य ने कहा, भारत वह देश है जहां महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने हर संघर्ष करते हुए हिंसा और तानाशाही से जूझते हुए हमेशा प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। आज हम वही प्रतिज्ञा, वही सीख लेकर भारत की यात्रा कर रहे हैं, नफरत की हर दीवार तोड़कर देश को प्यार से जोड़ने के लिए। इस दौरान बस्तर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य, जिला उपाध्यक्ष बालेश दुबे, विधायक प्रतिनिधि जानकी राम भारती आदि लोग मौजूद रहे।